धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की पोल खुली है। विधानसभा परिषद के गेट नंबर 2 के बाहर लोगों के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों को मजबूरी में खुले में लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जाना पड़ रहा है, जो जिला प्रशासन की नाकामियों को उजागर कर रहा है। 3 महीने पहले ही केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण स्वच्छता के लिए देश भर में जिला कांगड़ा को अव्वल जिला का पुरस्कार मिला है, लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान गेट के बाहर लोगों के लिए मोबाइल शौचालय का भी प्रशासन प्रबंध तक नहीं कर सका है। विधानसभा सत्र के दौरान काफी भीड़ होने के कारण लोगों को गेट के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, और अगर शौच लगे तो उनको बाहर ही शौच करते देख सकते हैं। गेट नंबर 2 से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री नहीं आते हैं। इस गेट में सिर्फ विधायक एवं आम जनता का आना जाना होता है, जिसमें सबसे ज्यादा समस्याओं को लेकर सरकार के नुमाइंदों से मिलने आए लोगों को उठानी पड़ती है, जो सुबह से शाम तक इसी स्थान में खड़े रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। मेरा नाम बिट्टू है और मैं जिला चंबा के पांगी क्षेत्र से यहाँ पर आया हूँ, और इतने दूर से आकर यहाँ पर मुझे एक जो चीज़ यहाँ पर निराश की है वो अस्थायी टॉयलेट का यहाँ पर प्रशासन ने कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है। यहाँ साथ में जो जंगल है यहीं पर ही जो जेंट्स है वो पेशाब करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डस्टबिन की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन जो मोदी जी का सपना है उसे पूर्ण रूप से ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग पूरे प्रदेश से अपने कार्यों को लेकर प्रशासन और सरकार के बीच आए हैं, लेकिन ऐसे हालातों में उनको ये मूलभूत सुविधाएं ना मिलना बड़ा शर्मिंदगी सा यहाँ हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए और प्रशासन के लिए लगता है। थैंक यू। अपनी समस्या को लेकर के और यहाँ पर जो है पास बनाने के लिए घंटों लंबी कतारें लग रही हैं, तो बहुत सारे लोग प्रदेश भर से यहाँ आ रहे हैं सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ महिलाएं भी आ रही है, तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। धर्मशाला में इस कोई भी जो ई टॉयलेट होते हैं वो स्थापित नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को समस्या हो रही है। और सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन है उसको यहाँ विधानसभा के दौरान जो है ठेंगा दिखाया जा रहा है, और यहाँ लोगों की सुविधा के लिए जो है शौचालय की व्यवस्था जो है होनी चाहिए थी, टेम्परेरी शौचालय बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें बाहर ही शौचालय के लिए जो है जाना पड़ रहा है।